कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी नगर निगम में कूड़ा निस्तारण एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हल्द्वानी शहर के लाखों की आबादी के कूड़े के अलावा पूरे जिले के निकायों का कूड़े का भी हल्द्वानी के ट्रीचिंग ग्राउंड में आता है, लेकिन पिछले एक साल से इस कूड़े के निस्तारण प्रक्रिया को गति नहीं मिलने से वहां लाखों मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा हो गया है, जो कि लोगों के लिए दुर्गंध और परेशानी बीमारी का कारण बनता जा रहा है। वहीं कूड़ा प्रबंधन के लिए नगर निगम के प्रयास किए जाने के बावजूद भी अभी तक सफलता नहीं मिल रही है। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि अल्पकालीन और दीर्घकालिक कूड़ा निस्तारण योजना पर नगर निगम काम कर रहा है, जिसके तहत घरों से ही कूड़े के प्लास्टिक अलग किए जाने की व्यवस्था को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं साथ ही ट्रेसिंग ग्राउंड में नए प्लांट लगाने को लेकर भी 5.5 करोड़ की DPR बनाई गई है, जिसका परीक्षण चल रहा है। अगले 2 से 3 महीनों में इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पूरा कर लिया जाएगा और वहीं कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। निश्चित तौर पे कूड़ा प्रबंधन हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है, और मैं पिछले एक साल की बात करूं तो जब हमने निगरानी की प्रक्रिया बनाई थी बड़ी समय में, उससे अच्छी सफलता हमें ज़रूर मिली है। लेकिन दो चुनौतियां अभी हमारे पास हैं। एक तो पूरी तरह से सेग्रीगेट होकर कूड़ा मिले, जिसमें प्लास्टिक महत्वपूर्ण है, उसको भी हम एक अलग प्रक्रिया के अंतर्गत सोर्स से ही प्लास्टिक अलग से कलेक्ट करने के लिए हमने एक 2-3 लोगों की कमेटी बनाई हुई है, जिसे वो अभी परीक्षण कर रहे हैं कि उसका प्रबंधन कैसे किया सकता है। दूसरी चुनौती हमारी यह है कि लगभग जनपद के सभी नगर निकाय और जिला पंचायत क्षेत्र की कूड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड में आ रहा है, तो पिछले एक साल का कूड़ा जो डंप हुआ है वो, और जो पिछले 25 सालों का कूड़ा हमारे पास पुराने डंपिंग साइट में पड़ा हुआ है, उसको निस्तारित करने के लिए हमने एक DPR बनाई हुई है लेगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए। लगभग 5.5-6 करोड़ के आसपास की DPR है, परीक्षण उसका चल रहा है। परीक्षण होते ही उसको हम टेंडर कार्रवाई करेंगे, और उस प्रक्रिया के द्वारा ट्रंचिंग ग्राउंड और उस पुराने ट्रंचिंग ग्राउंड में जितना भी कूड़ा है उसको आगामी जो हमारी पीरियड होगा उसमें हम उसको निस्तारित कर देंगे। लेकिन इस बीच वहाँ पर जो हमारे प्लांट लगाने की प्रक्रिया है उसको भी हमें अंतिम चरण देना है, और इस अवधि में प्लांट भी लग जाए इसका पूरा प्रबंध करना है, इसके लिए भी कार्रवाई गतिमान है। और जहाँ तक बात शहर के अंदर कूड़ा डंप होने की बात है, तो इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि खाली प्लाट्स में भी बहुत बड़े पैमाने पर कूड़ा जगह जगह पर डंप है, उनका चिन्हीकरण करना और उनको उठा करके ट्रंचिंग ग्राउंड पर ले जाने की व्यवस्था करना है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगने की संभावना है।